जनपद जालौन के कोंच में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मथुरा प्रसाद महाविद्यालय के मैदान में प्रशासन एवं प्रेस के बीच एक 2020 क्रिकेट मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन की टीम के कैप्टन सिविल जज विनय कटियार के साथ कोंच कोतवाली, कोंच सीओ, एसडीएम कोंच, एआरटीओ जालौन, तहसीलदार कोंच आदि रहे। वही प्रेस टीम के कप्तान पीडी रिचारिया के साथ उनकी टीम मैदान में दिखी। दोनों टीम की हौसला अफजाई के लिए हजारों की संख्या में समर्थक भी उपस्थित रहे। मीडिया टीम ने 5 विकेट खोकर ही आसानी से मैच पर कब्जा कर लिया। पिछले कई वर्षों से इस मैच मुकाबले को प्रशासन की टीम जीतती आ रही थी। इस बार मीडिया टीम की रणनीति, लगन, मेहनत ने उनका साथ दिया, जिससे मीडिया टीम 2017 का यह मैच जीतने में कामयाब रही। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ जीत की, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमारी टीम ने भी बड़ी मेहनत की, लेकिन ये खेल है और खेल मुझे लगता है एक परस्पर जो आपस में सौहार्द की भावना होती है, सद्भावना के लिए खेला जाता है और मैं उनको बधाई देता हूँ। हमारे गाड़ी भी बहुत अच्छा खेले और उन्होंने बहुत अच्छा क्षेत्र रक्षण भी किया, बॉलिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन अब ये क्रिकेट है, प्रतियोगिता है, जो ज्यादा अच्छा खेलता है वो विजयी होता है। कुछ नहीं, हमारे सब पत्रकार साथियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और प्रशासन के लोग भी अच्छा खेले, लेकिन पत्रकार चूंकि पिछली 2 हारों का अनुभव था उन्हें, इसलिए इस बार पूरी ताकत से जीतने के लिए उतरे थे और हम लोग जीते भी। शासन का जो मैत्री मैच था इसमें पत्रकारों की जीत हुई, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा कि पत्रकार एकादश के जो कप्तान थे श्री रिचारिया जी, उन्होंने भी बताया बहुत अच्छा लग रहा है। चूंकि मैंने इसके पहले भी प्रशासन को लिखित रूप से और अपने संदेश के माध्यम से कहा था कि आप लोग समय से तैयारियां करिए, चूंकि हम लोग पहले भी खेल चुके हैं, पहले मैंने बहुत उत्साहवर्धन किया प्रशासन का, तो इस बार जरा ठीक तैयारी से आइए, तो शायद लगता है कि प्रशासनिक कार्यों के कारण लगता है कि अभ्यास करने का उनको मौका नहीं मिला है, इस कारण से भी ऐसी स्थिति हो सकती। फिर भी प्रशासन एकादश ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और जीत किए सारे आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैत्री मैच को खेल भावना से खेला, निश्चित रूप से पत्रकारों ने ये जीत करके कीर्तिमान स्थापित किया, वो बधाई के पात्र है। उप विजेता टीम भी बधाई की पात्र है कि उसने भी अच्छा प्रदर्शन किया।